आज हम देखने वाले हैं कि जब भी हम बुक रीडिंग करते हैं, छोटे बच्चों को बुक रीडिंग कराते हैं, और साथ में जब जो बॉबल्स हैं वो एक साथ आ जाएं, दो बॉबल्स एक साथ आ जाएं, तब वहाँ पे उनको रीडिंग कैसे करानी है। क्योंकि क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम क्या पढ़ें। ठीक है, साथ में अगर एक बॉबल आ गए जैसे ए ई आई ओ यू एन वाई, इसमें हम पढ़ेंगे ए ई आई ओ यू एन वाई का कॉम्बिनेशन वाले अगर वर्ड आ जाते हैं, देन हम उसको कैसे रीड करें, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करें, ठीक है, उच्चारण उसका कैसे करें। तो ये जो वर्कशीट है जो मैंने बनाई है, ये 1-2 क्लास के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, 1-2 से नीचे के बच्चों को आप नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे पढ़ा सकते हैं, घर पे भी आप इसको पढ़ा सकते हैं कि जब बच्चे बुक रीडिंग करें तो स्पेशली ध्यान रखें कि जो भी डबल साउंड, डबल वर्ड आते हैं, डबल बॉबल्स वाले जो वर्ड आते हैं, उनको हमें कैसे प्रोनाउंस करना है, उनका साउंड क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक पोयम है, देखिएगा कि व्हेन टू बॉबल्स गो वॉकिंग, व्हेन टू बॉबल्स गो वॉकिंग, अगर दो बॉबल्स साथ में आ रहे हैं तो क्या करें, द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग, तो जो फर्स्ट वाला बॉबल है उसी को हम बोलेंगे। ठीक है, एंड इट सेज इट्स नेम, और हम उसको उसी के नाम से प्रोनाउंस करेंगे जो उसका नाम है। सपोज अगर ए पहले आ रहा है और ई बाद में आ रहा है, दो बॉबल हैं ए और ई, और ए पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, तो प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे तो ए का ही साउंड आएगा, ना कि ई का साउंड आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दो बॉबल जब साथ में आएंगे तो जो पहले बॉबल होएगा उसकी ही साउंड आएगी, नेक्स्ट वाले बॉबल की साउंड नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल कुछ सीरीज़ है यहाँ पे, देख लीजिए जो सीरीज़ मैंने बनाई हुई है ए ई आई ओ यू और वाई के साथ में। ठीक है, तो ए के कॉम्बिनेशन वाले मैंने सभी बॉबल्स रखे हुए हैं, जैसे ए ई ए आई ए ओ ए यू, तो फिर कैसे इनका साउंड आएगा। ठीक है ना, ई है, इसके साथ में जो बॉबल्स मैंने, जो कॉन्सोनेंट बॉबल्स रखे हुए हैं, और आई के साथ जो बॉबल्स मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए ओ के साथ भी मैंने सारे बॉबल्स का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, यू के साथ सारे बॉबल्स का कॉम्बिनेशन है, और वाई के साथ ए और ई का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। लेकिन आपको देखना है कि कुछ जो गिने चुने वर्ड्स होते हैं उनमें ये जो जो यहाँ पे पोयम मैंने बताई ना, तो ये पोयम कुछ वर्ड्स पे अप्लाई होगी, सारे वर्ड्स पे अप्लाई नहीं होगी, और कुछ जो वर्ड है जिन पे अप्लाई होगी वो वर्ड है क्या, ए आई। ठीक है, तो ए आई का जो साउंड है वो क्या होगा, ए। ठीक है, ए आई का साउंड क्या होगा, ए। इसके बाद है ई, ए का साउंड क्या आएगा, ई। डबल ई का साउंड भी क्या आएगा, ई। क्यों, क्योंकि इनका फर्स्ट लेटर जो है तो वही साउंड हम करेंगे, जैसे ए आई का फर्स्ट लेटर क्या है, ए, साउंड आया ए। ई ए में जो है फर्स्ट लेटर क्या है, ई, साउंड क्या आएगा, ई। डबल ई में फर्स्ट लेटर क्या है, ई, साउंड क्या आएगा, ई। ए वाई में फर्स्ट लेटर क्या है, ए, तो साउंड हम करेंगे ए। ई वाई में फर्स्ट लेटर क्या है, ई, तो साउंड हम क्या करेंगे, ई। और ऐसे ही आई ई में जो है साउंड फर्स्ट लेटर का आएगा, आई। ठीक है, ओ ई में ओ का साउंड आएगा, ओ ए में ओ का साउंड आएगा, और यू ई में यू का साउंड आएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और कई बार इनको आप क्या करोगे, जब तक बच्चे छोटे हैं, 1-2 क्लास के बच्चे हैं, तो इनको आप दिन में कम से कम 2-3 बार आप रीडिंग करानी है इनकी, ये वर्ड्स पहचानने की, या इससे रिलेटेड उनको वर्ड देना है रीड करने के लिए, ताकि बच्चे क्या हो, फ्लुएंट हो जाए इनको पढ़ने में। ठीक है, अब इसमें से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, जैसे देख लीजिए ए आई, ए आई कहाँ पे आ रहा है, किन वर्ड्स पे आ रहा है, इन वर्ड्स की जो प्रैक्टिस है वो आप बच्चों को दे सकते हैं पढ़ने के लिए। जैसे टी आर ए आई एन, ट्रेन, ये आया यहाँ पे ए आई, तो हम साउंड किसका आ रहा है, यहाँ पे ए का आ रहा है, ट्रेन, रेन, आई का साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, टी ई ए टी, ठीक है ना, ई ए है, बट क्या है, ए का साउंड नहीं आ रहा है यहाँ पे, केवल हम ई को प्रोनाउंस कर रहे हैं, बिकॉज दो बॉबल साथ में आ रहे हैं, तो फर्स्ट बॉबल को ही हमको टॉकिंग करनी है, सेकेंड बॉबल को नहीं करनी है। डबल ई, टीथ में देखिए ई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसी तरह से देखिए ए वाई में हम ए का प्रोनाउंस करेंगे, वाई का नहीं करेंगे, तो डी ए वाई, डे, वाई का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा जबकि ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से के ई वाई की, देखिए Y का साउंड नहीं आ रहा है, केवल E को हम साउंड करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से देखिए आई ई में डी आई ई,
ठीक है ना, डाई, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डाई। ई का साउंड नहीं आ रहा, ओनली क्या आ रहा है, आई का आ रहा है। इसी से मिलते जुलते कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मंकी हो गया, पाई हो गया, पे हो गया, यहाँ पे सी देख लीजिए डबल ई वाला है, और टीम, टी और टी हो गया, टीम हो गया, एन ए ट्रेन एंड ड्रेन हो गया। अब ये वाले देख लीजिए वर्ड क्या होते हैं, टी ओ टो है ना। अब इसी में देखिए ओ ई, टो की स्पेलिंग तो हुई, लेकिन हम ओ ई में सिर्फ ओ का साउंड लाएंगे, बोट, ओ ए का साउंड यहाँ पे, ओ ए साथ में आ रहा है, बॉबल्स जो हैं दो बॉबल्स, बोट, तो सिर्फ ओ का साउंड होगा, बोट, ठीक है। इसी तरह से डी यू ई, ड्यू, ठीक है ना, ड्यू, ड्यू, यू का साउंड आ रहा है, ई का साउंड नहीं आ रहा, ईशू, ईशू की स्पेलिंग क्या होती है, तो यू की जो यू है, ई है, तो यू का ओनली साउंड आएगा क्योंकि दो वोवेल साथ में आ रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार से सोप है और फो है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स जो राइमिंग है आप बना करके बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आप जब बच्चों को बुक रीड कराएं, बच्चों को जब बुक रीड कराएं, तो जहाँ पे भी दो बबल साथ में आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप दे सकते हैं, तो बच्चे इजीली आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट आएगा उसमें मैं ए ई आई ओ यू एंड वाई के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बबल पेयर जो है वो आपको बताने वाली हूँ, बबल डायग्राफ्स भी बताने वाली हूँ और बबल डेप्थंग्स भी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसको आप नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे, ठीक है। और इन सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस आपको दिन में 2 से 3 बार करनी है, ठीक है, डेली करनी है ताकि इसमें आप फ्लुएंट हो जाएं, और इसे बिल्कुल आप याद कर लीजिए एज अ बच्चे जो है ना, उनको एज अ पोयम उनको याद करा दीजिए, तो जब भी उनको कन्फ्यूजन होगी पढ़ते समय तो ये बॉबल, ये पोयम को वो याद करेंगे और जस्ट वो रीड कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे यानी कि ऋषि स्टडी चैनल पे कई सारे ऐसे वीडियो मैंने अपलोड करके रखे हैं और आगे भी अपलोड करती रहूँगी, तो चैनल को अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।